नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम UPSSC द्वारा संचालित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले वीडियो एग्ज़ाम, ठीक है, और यूपी पुलिस दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, प्रादेशिक की वर्तनी सही है, माधुर्य सही है, व्याप्त सही है, प्रामाणिक की दोस्तों सही नहीं है। प्रामाणिक का जो शुद्ध वर्तनी है वो कुछ इस प्रकार से होगी, प्रामाणिक, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वो में और पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, पुल्लिंग शब्द की मैंने आपको पहचान बताई थी कि जब किसी भी शब्द का हमको पुल्लिंग निकालना होता है तो उसके पहले हम मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी जोड़ करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरी क्षमा हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। बुरी घटना या अच्छी घटना, तो बुरी घटना हम बोल सकते हैं तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छी बोलेंगे तब भी वाक्य हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी क्षेत्र दोस्तों नहीं होता, या अच्छी क्षेत्र नहीं होता, मेरा क्षेत्र होता है। तो मेरा से ये पुल्लिंग का बोध कराता है, तो दोस्तों ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग की भी पहचान हो जाएगी, है ना। तो जहाँ पर दोस्तों जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा गरिमा, मेरी गरिमा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो दोस्तों, दर्शन, उसके दर्शन दुर्लभ हो गए, ठीक है। तो हो गए, यहाँ पर हमारी जो क्रिया खत्म हो रही है बहुवचन से खत्म हो रही है, तो ये जो शब्द होगा हमारा बहुवचन होगा, ठीक। अगला है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण। तो दोस्तों, भूतकाल का जो उदाहरण होते हैं वो है आपका राम घर गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में भाववाच्य है। दोस्तों भाववाच्य, ठीक है, अगर हम वाच्यों के आधार पर वाक्य देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों भाववाच्य वाक्य मुख्यतः नकारात्मक होते हैं, निगेटिव सेंस में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इसका, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों जो मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है, उसमें अब, जब, तब, जैसे, कि, इस प्रकार से जिससे आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ठीक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो दोस्तों, मैंने विद्यालय जाना है नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है, तो मैंने शब्द की जगह मुझे होना चाहिए था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है, क्वेश्चन मार्क। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, आसमान फट जाने मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो दोस्तों, इसका सही मुहावरा है पैरों पर खड़ा होना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। लोकोक्ति है दोस्तों, इसका अर्थ हमको बताना है, सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसका सही अर्थ होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो दोस्तों, इसके लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में होना। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यह अनुवाद कहलाता है व्याख्यानुवाद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो
दोस्तों ब्रज जो है वो आपका पश्चिमी हिंदी में आता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। दोस्तों अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक 17th का बी उत्तर सही हो जाएगा। सूर सागर के रचयिता कौन है? दोस्तों सूर सागर के रचयिता है सूरदास, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो दोस्तों रीतिकाल के जो कवि हैं वो हैं बिहारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे देखते हैं दोस्तों, उर्वशी किसकी किसका काव्य है? तो दोस्तों उर्वशी जो काव्य है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किससे रहित राज्य किस काम का, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा अपने, ये देखो दोस्तों पहले लाइन में उत्तर मिल गया, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो क्वेश्चन का अगर हम उत्तर देखें तो हो जाएगा अपने प्रियजनों से, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है, जगत का अर्थ है? तो दोस्तों जगत का जो अर्थ होता है वो होता है संसार, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निष्फल का आशय, निष्फल का जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, ठीक है, यानी कि जो व्यर्थ हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, वैसे तो आपको ये गद्यांश पढ़ के पता चलेगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन को सुखमय बनाना। निम्न में दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर हमको इसमें बताने हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? बड़ी ई दिखाई दे रहा है हमको, तो ये हमारा हो जाएगा मूल दीर्घ स्वर, या इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो बताए थे कितने होते हैं? चार होते हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है, इसमें वा हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक है। अब ऑप्शन में दोस्तों हम देख लेंगे, तो जो गा है वो तीसरे पे आता है ना, का, खा, गा, घा, ठीक है, तो जो गा है दोस्तों वो तीसरे पे आ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों जो घोष, ठीक है, घोष वर्ण होता है वो प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा और साथ में श, स और ये वाला स, ये भी होते हैं, ठीक है। अब शा सा इसमें तो है नहीं, तो बाकी का इसमें हम चेक कर लेंगे कौन सा होगा, ठीक है, सॉरी घोष और हाँ घोष और सघोष, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ होता है, सॉरी इसमें ये दोस्तों ये जो है तुम्हारा पहला और दूसरा ये अघोष वर्ण होता है, ठीक है, ये कौन सा होता है? अघोष होता है, और जो घोष वर्ण होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है इनको छोड़ करके, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो कौन सा होगा, चा छ 29th का दोस्तों अगर हम देखें तो चा छ जा झा, ठीक इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें जो आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है, जा, क्योंकि पहला तो होता है किसमें, अघोष वाले में, ठीक, और चा भी पहले में ही आएगा, ठीक है, और टा भी हमारा पहले में आता है, बच्चा क्या हमारा जा वाला, जा हमारा तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है ये। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ हमारे गोल हो जाते हैं वो हमारे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में योगरूढ़ शब्द है?
दोस्तों योग रूढ़ शब्द वो क्या होते हैं, तो जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जलज, जलज का मतलब है यहाँ पर कमल से, ठीक है, जो जल से उत्पन्न हुआ हो, तो ये कमल का पर्यायवाची भी होता है जलज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, ठीक है, क्या हो जाएगा महा प्लस उत्सव, इसमें दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। बैलगाड़ी में समास है, दोस्तों बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगमन में उपसर्ग है, तो दोस्तों आगमन में जो उपसर्ग है वो आ है, और ये गमन शब्द से पहले लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द में पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रसोईया में प्रत्यय है, तो दोस्तों रसोईया में जो प्रत्यय है वो इया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्यय दोस्तों शब्दों के पीछे लगते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, दोस्तों तत्सम शब्द शब्द पहचानने की पहचान तो ये होती है, ये वाला वर्ण जिसमें आएगा, ठीक है, व्यंजन वो आपका तत्सम होता है जनरली, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र का अगर मैं तद्भव की बात करूं तो दोस्तों इसका तद्भव होता है खेत, ठीक है। चलिए, जैसे क्षीर होता है, क्षीर तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वो खीर होता है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो दोस्तों तद्भव शब्द जो है वो है जीव, ठीक, और इसका अगर मैं तत्सम की बात करूं तो इसका जो तत्सम है वो जीवा है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो दोस्तों देशज जो शब्द है वो है कटोरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, दोस्तों टिकट है, टिकट को अगर मैं इंग्लिश में लिखें तब भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये ज्यों का त्यों इंग्लिश से यूज हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में संज्ञा शब्द है, दोस्तों संज्ञा शब्द है इसमें सभा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो दोस्तों सर्वनाम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन, ठीक। अगला है, निम्न में विशेषण शब्द है, तो दोस्तों विशेषण शब्द इसमें क्या हो जाएगा, उचित, क्या हो जाएगा, उचित यहाँ का विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो गिराना में है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में अव्यय है, अव्यय दोस्तों किसमें, ठीक में, ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है, दोस्तों पक्षी के जो पर्यायवाची होते हैं वो कई सारे होते हैं, पंछी, चिड़िया, ठीक है, और दोस्तों परिंदा, परिंदा भी इसी का ही पर्यायवाची है, पखेरू, पतंग, ठीक, और दोस्तों विहग, खग, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं, ठीक। दोस्तों अगर बात करूं मैं भूधर की, तो जो भूधर है ये दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची होता है, पर्वत का, ठीक है। मीन दोस्तों मछली का होता है, मछली, मत्स्य, ये सब मीन इसी के पर्यायवाची हैं। वृंद दोस्तों समूह का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और विहग आपका किसका होता है, ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। जटिल का विलोम होगा, दोस्तों जटिल का विलोम पूछा है इसमें, जटिल का विलोम होगा आपका सरल, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द हमको बताना है, तो दोस्तों देने के लिए इसको बोलेंगे दे, जिसे दिया जा सके, दीन और दिन, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो दोस्तों पहला तो दिन है, दिन का मतलब दिवस होता है और दीन का मतलब होता है गरीब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, दोस्तों अनेकार्थक हमको बताना है, तो अनेकार्थक यानी कि अंबर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबर, ठीक।
निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो है आपका परीक्षा, ठीक है। बाकी के सारे क्या हैं? गलत हैं। प्राण, प्रशिक्षण, पूज्य, ठीक, परीक्षा एकमात्र सही शब्द है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।